थैंक यू खाला। शुक्र है बेटा, आपने दोबारा काम पे जाना शुरू कर दिया। अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि आप जिंदगी की तरफ लौट के आ रहे हैं। क्या करें खाला, ना चाहते हुए भी जीना तो पड़ेगा ना। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी तो अल्लाह ताला की नेमत है, इस पे तो शुक्र अदा करना चाहिए। बेमकसद जिंदगी का क्या फायदा है खाला। अरे अल्लाह रखे, आपकी जिंदगी का मकसद है ना आपकी औलाद, ऐसा नहीं कहते? कैसी तबीयत है उसकी? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर है। रात को सुकून से सो भी गया था, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। चले अच्छा। बेटा मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने बच्चे का अभी तक नाम क्यों नहीं रखा? कोई अच्छा सा नाम रख लेना उसका। खाला आपका जो समझ में आ रहा है आप वो नाम रख लीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों बेटा, आपने और जोया ने कोई तो नाम सोचा होगा अपने होने वाले बच्चे का, वही रख लें। सोचा था खाला, जोया का क्या कसूर था? क्यों चली गई वो? कोई कसूर नहीं था ना उसका। बेटा मैं ये तो नहीं जानती कि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इंसान का बुरा वक्त उसकी आजमाइश होती है, या फिर उसके ही किए गए कोई बुरे अमाल की सजा। जैन मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, देखो वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। जैन देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो जैन। क्या खाला ठीक कह रहे हैं? कहीं ये सब किंजा को धोखा देने की सजा तो नहीं है?